मस्जिद नबवी बेहरमती वाक़े पर शेख रशीद के भतीजे राशिद शफी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम से मोबाइल फ़ोन क्यों बरामद नहीं किया, जिस पर पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि मुलजिम का मोबाइल सऊदी अरब रह गया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे हो सकता है कि ज़ाती मोबाइल सऊदी अरब रह गया हो। मस्जिद नबवी बेहरमती वाक़े पर शेख रशीद के भतीजे राशिद शफी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम से मोबाइल फ़ोन क्यों बरामद नहीं किया, जिस पर पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि मुलजिम का मोबाइल सऊदी अरब रह गया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे हो सकता है कि ज़ाती मोबाइल सऊदी अरब रह गया हो। मस्जिद नबवी बेहरमती वाक़े पर शेख रशीद के भतीजे राशिद शफी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम से मोबाइल फ़ोन क्यों बरामद नहीं किया, जिस पर पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि मुलजिम का मोबाइल सऊदी अरब रह गया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे हो सकता है कि ज़ाती मोबाइल सऊदी अरब रह गया हो। मस्जिद नबवी बेहरमती वाक़े पर शेख रशीद के भतीजे राशिद शफी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है।